सरकार चुनकर नहीं आएगी। एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। अब मैंडेटरी ओवर चालू है, अब लोगों को अनाज देने के बजाय जो विजय गोयल जी बता रहे थे वो सही है, अब लोगों को सब्सिडी के रूप में ये पैसा देना चाहते हैं। गरीब लोग पैसा नहीं चाहते, गरीब लोग सस्ते प्राइस में अनाज चाहते हैं, जो पीडीएस सिस्टम से गरीबों की जिंदगी को सही अर्थ में जीने का काम अगर कोई करेगा तो अनाज उसको जी के जो रहेगा, या कैश देकर वो आदमी जी नहीं सकता। एक बार पैसा जमा हो जाएगा तो कौन गारंटी लेगा कि उससे अनाज आएगा कि और कुछ घर में आएगा। दारू का सेल बढ़ जाएगा, अनाज घर में आएगा नहीं, गरीब बर्बाद हो जाएंगे। पर हमारे यूपीए सरकार वालों को चिंता गरीबों की नहीं है, महंगाई की नहीं है, बेरोजगारी की नहीं है। उनको यह चिंता नहीं है कि गरीबों के घर में अनाज कैसे जाए, उनकी आज की चिंता है कि चुनाव में डायरेक्ट अगर हम पैसे नहीं दे सकते तो इस मार्ग से नोटा दो और वोट लो। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। फूड पर आल, जो फूड सिक्योरिटी बिल की बात हो रही है, हम भी चाहते हैं कि गरीबों को अनाज मिलना चाहिए। इस देश में हर साल 58,000 करोड़ रुपए का अनाज सड़ जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे कृषि मंत्री शरद पवार जी ने ऊपर डायरेक्टली कहा है कि इस देश में 58,000 करोड़ का अनाज सड़ जाता है। और ये अनाज कहाँ जाता है? ये अनाज जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाले परचेस करते हैं कम रेट में, 2 रुपए और 3 रुपए किलो की गेहूं और चावल, और उससे शराब बनाई जाती है और गरीबों को बर्बाद करने का काम होता है।